उत्तर भारत में हो रही मॉनसून की बारिश के चलते सब्जियों की पैदावार और दाम प्रभावित हुए हैं। पिछले 10 दिनों में सब्जियों की कीमतें बढ़कर अब 2 गुना हो चुकी है। मैदानी इलाकों में सब्जियों का उत्पादन घटने से मंडियों में सप्लाई पहाड़ी इलाकों में हो रही है। वहीं महंगे भाव के कारण रसोई से सब्जियां गायब हो चुकी हैं और घरेलू बजट भी बिगड़ चुका है। मॉनसून सीजन में जारी बरसात का सीधा असर सब्जी की खेती और पैदावार पर हुआ है। धान की रोपाई में आई तेजी जहां सब्जियों का रकबा घटा है। हमारे संवाददाता ने सब्जियों की बड़ी कीमतों का जायजा लिया, देखिए। हम इस समय खड़े हैं घरौंडा की सब्जी मंडी में। बारिश का व्यापक असर जो है सब्जियों की पैदावार पर और उसके दामों पर हुआ है। जहां लोकल सब्जियां जो हैं वो मंडियों में नहीं पहुंच रही या बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है, ऐसे में आपूर्ति के लिए पहाड़ी इलाकों से सब्जियों की सप्लाई की जा रही है। क्या स्थिति है, क्या दाम है, जानेंगे यहाँ सब्जी विक्रेता से। जी अमित जी, क्या स्थिति चल रही है अभी मंडी में सब्जियों की? सब्जी कम आ रही है जी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, खेतों में पानी भर रहा है, इसलिए सब्जी टूट रही, जो टूट रही है जो है वो गल जाएगी। तो अपनी लोकल सब्जियां कौन कौन सी हैं यहाँ? लोकल सब्जियां तो जी थोड़ी मिर्च आ रही हैं, थोड़ा करेला ये घिया वगैरह आ रही है, टमाटर बीन ये सब हिमाचल से आ रही है। अभी मतलब कि ज़्यादा जो सप्लाई है वो अपनी ज़्यादा सप्लाई हिमाचल से ही है सब्जी की। इस टाइम हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश है, वहाँ भी सब्जियाँ कम ही आ रही है। तो जैसे पैदावार पे असर हुआ है, बारिश हुई है, इसके दाम पे असर पड़ेगा? दाम पे असर पड़ेगा जी, क्योंकि जो सब्जियों में सब्जी में जो 2-4 घंटे से ज़्यादा पानी रुक जाता है वो सब्जी की बेल गल जाती है, वो सब्जी खराब हो जाएगी, वो सब्जी महंगी होगी। अच्छा, तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी जैसे हिमाचल में? जैसे बारिश ज़्यादा है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में, देखो क्या रहता है। अभी कौन कौन सी सब्जियों की डिमांड ज़्यादा? डिमांड तो कुछ नहीं, गाह के लिए कटरे मंडी में ज़्यादा। अच्छा। बारिश की वजह से गाह के नहीं आ रहा। बारिश में, बारिश में कहाँ सारा माल ऐसे बचे पड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए, बरसात की वजह से जहाँ पैदावार पर असर हुआ है वहीं सब्जी की बिक्री भी प्रभावित हुई है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सब्जी की उपज कम हुई है उसके बाद दाम बढ़ना स्वाभाविक है। वैसे में आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम कुछ और महंगे हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।